ट्रेन टकरा जाती है, पटरी से उतर जाती है, तो सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इस सरकार में ये कमी है कि इन सब मुद्दों को दबा दिया जाता है। मैं बस इतना कहना चाहूँगी मोदी से कि आप रोज़ रोज़ नए इनोग्रेशन तो कर रहे हो, पहले जो चीज़ें बनी हुई हैं उनका तो पुख्ता इंतजाम कीजिए। अगर कांग्रेस सत्ता में होती और इस तरह के हादसे होते हैं तो उस पर गहन उसकी जाँच होती। विफलता को छिपाने के लिए इस तरह के हथकंडे सरकार अपनाती है जो कि बहुत गलत नहीं। वहाँ हमारे सरकार के नुमाइंदे जा रहे हैं, अभी आप लोगों को शाम तक पता चलेगा, वहाँ हमारे लोग जा रहे हैं और हमारे लोग लगातार वहाँ कोऑर्डिनेशन में लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं शिखा सिंह और आप सभी का जनहित आवाज में स्वागत है। मेरे साथ है नेहा खान और अभी मैं मौजूद हूँ IYC में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, पूरा देश अभी शोक में डूबा हुआ है। जिस तरीके से उड़ीसा में 3 ट्रेन एक साथ टकराने से 300 लोगों से ज़्यादा की मौत हो चुकी है और 700 से 800 लोग अभी घायल हैं। इन लोगों के माध्यम से हमें पता चला है कि यहाँ जो उड़ीसा यूथ कांग्रेस के वहाँ पे लोग हैं, वो लोग वहाँ पे कल रात 7 बजे से मौजूद हैं अपना ब्लड डोनेट करने के लिए। लेकिन हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ लग रहा है, सारी चीज़ें रद्द कर दी गई हैं, प्रोग्राम इतना बड़ा हादसा हुआ है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बड़ा हादसा हुआ है बहुत, और सरकार को इस तरह की घटनाओं पे ध्यान देना चाहिए। और ये घटनाएं पिछले कुछ बीते वर्षों से बहुत ज़्यादा हो रही हैं। कभी पुल टूट जाता है और कई हादसे ट्रेन के हुए हैं, ट्रेन टकरा जाती है, पटरी से उतर जाती है, तो सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि ये ज़मीनी मुद्दे हैं, इन पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। चुनाव तो अलग अलग प्रदेशों में आते जाते रहते हैं, अभी मध्य प्रदेश राजस्थान में है, तेलंगाना में है, उसके बाद फिर लोकसभा के इलेक्शन आ जाएंगे। लेकिन जनता जिनके लिए हम राजनीति में आ रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं और कुर्सी पर बैठ रहे हैं, उनके लिए भी तो काम करना है ना। लोगों की इस तरह जान जा रही है तो अनदेखा तो नहीं कर सकते ना। तो इस पर हम कहाँ हम विफल रहे, जाँच होनी चाहिए पूरी कि क्या क्या चीज़ें कमी रही हमारी, तो और मीडिया को भी पूरा कोऑपरेट करना। कांग्रेस को क्या लगता है क्या भी, क्योंकि आप लोग जैसे सवाल तो उठना जायज है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार ट्रेन निकाल रहे हैं और वो भी क्षतिग्रस्त हो रही है, घटनाग्रस्त हो रही है, कभी गाय टकरा जा रही है, उसे टूट जा रहा है, तो अगर कांग्रेस सत्ते में रहता तो किस तरीके से इसको काबू करता, किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता था? देखिए, अगर कांग्रेस सत्ता में होती और इस तरह के हादसे होते हैं तो उस पर गहन उसकी जांच होती, उस पर बैठ के चिंतन मनन वो करके कि क्या कहाँ हम विफल रहे, क्या हम कर सकते थे, यह हादसों का कारण क्या रहा, इन सब चीज़ों पर चर्चा होती। और इस सरकार में ये कमी है कि इन सब मुद्दों को दबा दिया जाता है। जहाँ लगता है कि हमारी बदनामी होगी, लोग हम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो उस पर काम करने के बजाय, जांच करने के बजाय, लोगों के लिए अब जो लोग इस हादसे में जिनका डेथ हुई है उन लोगों के लिए कुछ करने का टाइम है सरकार का, उसको करने के बजाय दूसरा मुद्दा कोई उठा लेंगे, दूसरा इशू कोई उठा लेंगे, सोशल मीडिया पर अलग मुद्दों पर बहस करवाना करेंगे कि जो इस तरह की विफलता को छिपाने के लिए इस तरह के हथकंडे सरकार अपनाती है जो कि बहुत गलत है। लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा कवच की बात कह रहे थे कि कवच है, इस तरीके से टकराने से भी देख लीजिए, जैसे कि अश्विनी वैष्णव ने 2 ट्रेन का अपने हाथ में लिया हुआ था और तमाम तरीके की चीज़ें की जा रही, और आज भी लॉन्च था शायद वंदे भातरम का जितना मुझे पता है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, सारे ने अपना प्रोग्राम रद्द कर दिया है और ममता बनर्जी जो हैं बंगाल की CM, वो भी वहाँ जा रही हैं और मोदी जी भी जा रहे हैं। कांग्रेस का कोई नेता ऐसा है जो वहाँ पे जाएगा, उनके लिए कुछ करेगा? कल शाम जब से ये हादसा हुआ है, कल शाम ही से पूरा यूथ कांग्रेस, आपने अगर यहाँ थे तो सुना भी होगा कि पूरा यूथ कांग्रेस की टीम वहाँ सपोर्ट करने में लगी हुई है। ब्लड की ज़रूरत हो रही है मरीजों को, तो ब्लड डोनेट भी किया जा रहा है। जिस तरह की मदद कर सकता है यूथ कांग्रेस, उस तरह की मदद यूथ कांग्रेस घटना होते ही तुरंत उनके साथ कोऑर्डिनेट यूथ कांग्रेस की टीम कर रही है। वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लगे हुए हैं, और रही बात किसी बड़े नेता के जाने की, तो डेफिनेटली कांग्रेस के बड़े नेता भी वहाँ जा रहे हैं। प्रियंका गांधी अभी पहलवानों के समर्थन में आई, तो ये तो बहुत बड़ा मामला, इतने लोगों की जान गई है। क्या प्रियंका गांधी जाएंगी परिवारों से मिलने के लिए? नहीं, वहाँ हमारे सरकार के नुमाइंदे जा रहे हैं, अभी आप लोगों को शाम तक पता चलेगा, वहाँ हमारे लोग जा रहे हैं और हमारे लोग लगातार वहाँ कोऑर्डिनेशन में लगे हुए हैं, जिस भी तरीके से उनकी मदद की जा सकती है मदद कर रहे हैं। मैं बस इतना कहना चाहूँगी मोदी जी से कि आप रोज़ रोज़ नए इनोग्रेशन तो कर रहे हो, पहले जो चीज़ें बनी हुई हैं उनका तो पुख्ता इंतजाम कीजिए, उनको तो देखिए कि कहाँ क्या कमी रह रही है। आपको पता ही नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है, बस आप
अपने उसमें लगे हुए वो धुन में अपनी वाहवाही करवाने के लिए लगे हुए वो, आप जिन ट्रेनों का उद्घाटन कर रहे हो वो खुद टकरा जा रही हैं, पहले वाली ट्रेनें टकरा जा रही हैं, लोगों की जान जा रही हैं, कई पुल गिर रहे हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं उनको भी थोड़ा मजबूत करिए, उन पर भी थोड़ी जाँच कीजिए जहाँ हादसे हो रहे हैं कि कहाँ हम विफल रहे हैं, उन पर थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है, बैठने की ज़रूरत है। लेकिन अभी जिस तरीके से आपको मालूम है कि आज़ादी के बाद जो 75वां अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और उसमें ये चीज़ें होना, ये कैसा लग रहा है? ये कोई शुभ संकेत नहीं है, ये कोई शुभ संकेत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं कहीं ना कहीं अगर इसके बावजूद भी सरकार के कान पर जू नहीं रखती है, प्रधानमंत्री को समझ नहीं आता। कांग्रेस के टाइम में भी हुआ था ऐसा घटना, कांग्रेस के नहीं हुआ था लेकिन लगातार इस तरह से नहीं हुआ था। आप पिछले कुछ सालों से देख रहे हो कि ये कोई पहला हादसा नहीं है, जो ट्रेन कभी ट्रेन पटरी से उतर जा रही है, कभी वंदे मातरम किसी जानवर से टकरा रही है, कभी पुल टूट जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, इतने कम गैप में बार बार इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ये तो दुर्घटना की चीज़ें हैं। अगर हम वैसे प्रोटेस्ट की और लोगों के विरोध की बात करें तो जब से 2014 के बाद से आप देखते हैं कि हर 6 महीने में लोग बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते हैं, हर 6 महीने में लोग जंतर मंतर पर बैठे होते हैं, एक सॉर्ट आउट नहीं होता है, दूसरा मुद्दा पहले हो जाता है, तो सरकार कहीं ना कहीं विफल है और सरकार को ये चीज़ ऐसा करनी चाहिए। कांग्रेस खून के अलावा यानी ब्लड देने के अलावा और कुछ आर्थिक रूप से मदद करेगी? मरीजों को उठाना, हॉस्पिटल पहुँचाना और यूथ कांग्रेस जहाँ उनका थोड़ा बहुत अगर खुद अपने व्हीकल से लेके जाना पड़ रहा है या खुद कहीं मरहम कराना पड़ रहा है, खुद आर्थिक उसमें भी यूथ कांग्रेस लगा हुआ है, बाकी जनरल कांग्रेस भी पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन कर रहा है। तो मेरे साथ ही नेहा खान, और इन्होंने एक अलग सबसे अलग कहा कि 2014 के बाद से जो मोदी जी जो हैं नए नए इनॉग्रेशन तो कर रहे हैं लेकिन जो पुरानी चीज़ें हैं उसको पहले बंदोबस्त, उसका अच्छे से बंदोबस्त किया जाए, क्या चूक हो रही है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारी बातचीत पर आपकी क्या राय?